नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेहिल छात्राओं का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेहिल छात्राओं, आज हम उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नूतन प्रकरण पर परिचर्चा करने के लिए, और उस नूतन और नवीन प्रकरण का नाम होता है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित एक महत्वपूर्ण पुस्तक रामायण की बालकांड के प्रथम सर्ग के संदर्भ में। इस वीडियो में हम आपसे परिचर्चा करेंगे। आशा करता हूँ अगर आप मनोयोग पूर्वक श्रवण करेंगे तो रामायण के जितने आदर्श हैं उन सबसे आप रूबरू होंगे। तो बिना किसी व्यवधान के करते हैं हम आज की इस वीडियो का शुभ आरंभ आदि काव्य रामायण के सामान्य परिचर्चा के साथ। जैसा कि आपको विदित है, सबसे पहले आप रामायण के प्रणेता जान लीजिए कि आखिर रामायण नामक जो ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति के प्राण बसते हैं किसमें, रामायण में। तो उस अद्भुत अनुपम महाकाव्य के प्रणेता हैं महर्षि वाल्मीकि, यानी रामायण जो लिखी गई है। रामायण किसके द्वारा प्रणीत है? तो सबसे पहले जिसका नाम कनिष्ठा पर आता है तो उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। उपाधि देखें, अगर वाल्मीकि की उपाधियों के संदर्भ में चर्चा करें तो इनको आदि कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है संस्कृत जगत में। जैसा कि आपको विदित है कि लौकिक संस्कृत साहित्य का शुभारंभ अगर किसी ग्रंथ से होता है तो उस ग्रंथ का नाम होता है आदि काव्य रामायण। इसीलिए इनको आदि कवि की पदवी से भी विभूषित किया गया है। किसको? महर्षि वाल्मीकि को। रचना इनकी है ये आदि काव्य रामायण। रामायण को आदि काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि लौकिक संस्कृत साहित्य का जो शुभ आरंभ होता है वो इसी ग्रंथ के साथ होता है। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य का अगर प्रवेश द्वार हम रामायण को कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्लोकों के संदर्भ में चर्चा करें कि आखिर रामायण नामक जो महान ग्रंथ है उसमें कुल कितने श्लोकों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें श्लोकों की संख्या है 24,000 श्लोक हैं रामायण में। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसका दूसरा नाम चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी है। उपनाम है इसका चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, रामायण का उपनाम। अब देखिए, रामायण का जो विभाजन है वो महर्षि वाल्मीकि ने सात कांडों में किया है। 645 सर्ग है संपूर्ण रामायण में। रामायण का जो पहला आदि कांड है वो बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्यकांड है, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर। जैसा इसका नाम है वैसी ही इसमें वर्णन क्षमता है, यानी वर्णन माधुर्य के कारण इस कांड का नाम सुंदर रखा गया। छठवा है आपका लंका कांड जिसका उपनाम या अपर नाम है युद्ध कांड, और सातवा और अंतिम कांड है आपका उत्तर कांड। सातवा और अंतिम कांड है कौन सा? उत्तर कांड। अब देखें, परिचर्चा करते हैं कि इस अद्भुत जो महाकाव्य है जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत है इसके नायक कौन है? तो इसके नायक हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले राम नाम से विख्यात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इस अद्भुत और महान महाकाव्य के नायक हैं, जो कि हमने आपको पूर्व में बता चुके हैं कि भारतीय संस्कृति के प्राण कहा जा सकता है। किसको? आदि काव्य रामायण को। नायिका की परिचर्चा करते हैं कि आखिर इसकी नायिका किसको बनाया महर्षि वाल्मीकि ने? तो वो नायिका है जनक आत्मजा, जनक दुलारी, जनक नंदिनी सीता। अब देखिए, रामायण की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस कथन से लगा सकते हैं। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ये कहते हैं, यावत स्थास्यन्ति सर्तस्य गृहस्य महीतले तावत रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यानी जब तक इस धरा पर क्या रहेंगी, सरिता नदियां और पर्वत विद्यमान रहेंगे, तब तक इस रामायण की जो कथा है, कहानी है, वो जनमानस में प्रचलित रहेगी। यावत स्थास्यन्ति, यानी जब तक स्थिर रहेंगी क्या, सरितस्य गृहस्य महीतले, इस पृथ्वी पर, इस धरातल पर क्या रहेंगी विद्यमान, नदियां और पर्वत विद्यमान रहेंगे, तब तक रामायण की कथा जनमानस में सुप्रचलित रहेगी। ये इसकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस कथन से लगा सकते हैं। चर्चा करते हैं कि रामायण का प्रमुख रस कौन सा है? तो रामायण का प्रमुख रस जो होता है, महाकाव्य का एक लक्षण है,
इस रंगारंग करोड़ों में से कोई एक रस क्या होना चाहिए, प्रमुख रस होना चाहिए, बाकी के अन्य रस क्या होते हैं, अंगी रस होते हैं। तो रामायण का जो प्रमुख रस है वो कर्म रस है। और ये प्रश्न भी यदा कदा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रामायण में किस रस की प्रधानता है, तो रामायण में प्रमुख रूप से करुण रस का परिपाक हुआ है। क्योंकि हम आपको बता दें, रामायण की जो रचना हुई है महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से जो श्लोक प्रस्फुटित हुआ करुण रस में था। हम आपको बता दें कि एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी से स्नान करके घर जा रहे, अपने आश्रम पर आ रहे थे, तो रास्ते में वो क्या देखते हैं, एक क्रौंच के कर्ण विलाप को सुनते हैं। यानी कि क्रौंच का एक शिकारी के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वध कर दिया जाता है। तो काम कीड़ा थे दोनों, तो क्रौंच और क्रौंची का जो प्रेम है साहित्य जगत में सबसे अनुपम माना जाता है, अद्वितीय माना जाता है। तो जब प्रेम का चित्रण करना हो साहित्य जगत में, तो क्रौंच और क्रौंच यानी चकवा और चकली के स्नेह को आधार बनाकर प्रेम की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम में क्या समर्पण होता है। पूर्ण समर्पण का दूसरा नाम ही क्या है, प्रेम है, स्नेह है। तो उस क्रौंची के करुण विलाप को सुनकर के महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से जो श्लोक प्रस्फुटित हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमय शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादि कामोहितम् अधिकम्। हे निषाद, आप कभी भी संसार में प्रतिष्ठाता शांति को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपने काम की डायरेक्ट क्रौंच पक्षी का क्या कर दिया है, वध कर दिया गया है। पाप करने वाला, इस का मतलब यह है, इस संसार में पाप करने वाला व्यक्ति, अनिष्ट करने वाला, बुरा करने वाला व्यक्ति कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसी श्लोक, ये श्लोक प्रस्फुटित हुआ, अनुष्टुप छंद में था। तो इस श्लोक से महर्षि वाल्मीकि के इस श्लोक से देव ब्रह्मा जी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं और उनको रामायण लिखने की क्या देते हैं, प्रेरणा देते हैं। तब महर्षि वाल्मीकि देवऋषि नारद से इस संदर्भ में परिचर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक कि संसार में ऐसा कौन पुरुष है, कौन पुरुष है जो धैर्यवान है, प्रकृतिवान है, गंभीर है, सर्व गुणों से युक्त है, देखने में प्रिय रसी है, कौन है ऐसा। तो वो बताते हैं देवऋषि नारद, इस समय इक्ष्वाकु वंश में राम नाम से विख्यात राम के अंदर ये सारे के सारे आपको गुण मिल सकते हैं। इसलिए आप अपने महाकाव्य का नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो रघुकुल के शिरोमणि हैं, दशरथ के नंदन, उनको आप क्या बनाइए, अपने महाकाव्य का प्रणेता या प्रवर्तक बनाइए। तब जाकर के महर्षि वाल्मीकि देवऋषि नारद की प्रेरणा से वाल्मीकि राम के गुणों पर आधारित संपूर्ण राम चरित्र से संबंधित कथानक को आधार बना करके इस अद्भुत और अनुपम महाकाव्य की रचना करते हैं। अब देखें कि रामायण का जो वर्णन है वो संपूर्ण राम चरित्र है, यानी संपूर्ण राम के संपूर्ण जीवन चरित्र की झांकी आपको इस अद्भुत अनुपम महाकाव्य में पढ़ने और सुनने को मिलेगी। किसमें, रामायण में। अब परिचर्चा करते हैं कि रामायण में का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, सकल आदर्शों की स्थापना करना, यानी समस्त आदर्शों की स्थापना करना रामायण का मुख्य उद्देश्य है। यानी जितने भी आदर्श आपको मिलेंगे, चाहे वो आदर्श पुत्र हो, पिता हो, आदर्श पत्नी हो, आदर्श मित्र हो, सारे के सारे आदर्श आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगे किसमें, इस अद्भुत महान ग्रंथ रामायण में। सारे के सारे आदर्श, जितने भी आदर्श होते हैं वो सारे के सारे आदर्श आपको पढ़ने और सुनने को मिलेंगे किसमें, इसमें। और हम आपको बार बार ये बताते रहते हैं क्लास में कि शिक्षा वही सार्थक मानी जाती है, कौन सी, जो आचरण में ढाली जाए। यानी रामायण का पढ़ने और सुनने के उपरांत अगर आप अपना आचरण रामायण के पात्रों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दें, तो आप सच्चे अर्थों में क्या रामायण पढ़ने और सुनने के अधिकारी हैं। यानी रामायण में जो आदर्श स्थापित किए हैं, यानी आप आदर्श पिता पुत्र के रूप में अगर हैं, तो राम का जो आचरण है वैसा आपको आचरण करना है। आदर्श पत्नी के रूप में अगर आपका जीवन चरित्र है,
तो आपको सीता जैसा जीवनचरित क्या करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। आदर्श अगर भ्राता के रूप में आप स्थापित करना चाहते हैं अपने आप को, तो आपको सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के अनुसार क्या करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्या है सच्चे अर्थों में रामायण पढ़ने और सुनने के अधिकारी हो सकते हैं। मेरी शिक्षा वही है जो आचरण में धारी है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने आपके पाठ्यक्रम में रामायण के बाल्यकांड का प्रथम सर्ग है और इसमें संपूर्ण रामायण का संक्षिप्त में विवेचन किया गया है। अंत में इसमें रामायण के पढ़ने और सुनने के क्या हैं फल भी वर्णित हैं कि रामायण को पढ़ने के क्या फल हैं, सुनने के क्या फल हैं, वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे क्या इस अनुपम महाकाव्य में, जो कि भारतीय संस्कृति का क्या माना गया है, प्राण माना गया है। भारतीय संस्कृति की क्या क्या है, आधार स्तंभ ग्रंथ है, और दूसरा क्या है, परवर्ती साहित्यकारों के लिए रामायण क्या है उपजीव्य काव्य की भूमिका में भी अपने आप को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार की एक कालजयी रचना मानी जाती है क्या रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रणीत है और अपने आप में क्या है अद्भुत है, अनुपम है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपकी पाठ्यक्रम में समृद्ध कुछ नवीन पुस्तकों के संदर्भ में। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।